हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। इन दिस वीडियो वी विल डू चैप्टर 4 फ्रॉम योर ईबीएस बुक एंड द चैप्टर नेम इज आवर फर्स्ट स्कूल। जी हाँ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 का चैप्टर 4 जिसका नाम है आवर फर्स्ट स्कूल, हमारा पहला विद्यालय। वी लर्न सो मैनी थिंग्स व्हेन वी कम टू स्कूल। जब हम स्कूल जाते हैं तो हम बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। बट डू यू नो विच इज़ आवर फर्स्ट स्कूल, पर तुम जानते हो कि तुम्हारा पहला स्कूल कौन सा है? यस इट इज़ योर फैमिली। जी हाँ, पहला स्कूल कौन सा होता है? हमारा परिवार। वी लर्न सो मैनी थिंग फ्रॉम आवर फैमिली, हम अपनी फैमिली से बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। मच बिफोर वी लर्न फ्रॉम एनीवेयर एल्स, कहीं और से सीखने से पहले हम अपने परिवार से बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। दिस इज़ बिकॉज वी आर सो क्लोज टू आवर फैमिली, क्योंकि हम अपने परिवार के बहुत क्लोज होते हैं, बहुत करीब होते हैं। बट वी रियली नेवर गिव इट अ थॉट, लेकिन हम ये कभी भी नहीं सोचते हैं। लेट अस थिंक अबाउट आवर फैमिली एंड टॉक अबाउट, चलो अब अपने परिवार के बारे में बात करते हैं और देखते हैं। ड्रॉअर बेस्ड योर फैमिली, यहाँ पर हमें अपने फैमिली की पिक्चर लगानी है। फैमिली की पिक्चर में कौन कौन आएगा बच्चों? सबसे पहले इसमें ड्रॉ करेंगे हम इधर ग्रैंडफादर, ठीक है, ये हमारे ग्रैंडफादर, ये ग्रैंडमदर, मदर थोड़ी मोटी, ये ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फिर पेरेंट्स आएंगे हमारे, ये हमारे फादर और ये हमारी मदर, ठीक है। इस तरह से ड्रॉ करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप अपनी पिक्चर लगाएंगे, ये आप और ये बॉय और ये गर्ल और आपकी एक छोटी बहन, ठीक है। इस तरह से हमें एक फैमिली पिक्चर लगाना है। तो चलिए, हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में कौन कौन है? राइट देयर नेम एंड हाउ दे आर रिलेटेड, उनके नाम लिखिए और उनसे अपना रिलेशन लिखिए। जैसे आपका नाम है सीमा, तो यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे सीमा, ठीक है। और अपना नाम नहीं लिखना, यहाँ पर लिखना है, जैसे आपने सीमा लिखा, सीमा आपकी मदर है तो आप यहाँ पर लिखेंगे मदर, ठीक है। और जैसे आपकी दादी हैं, दादी का नाम है मीनू, तो यहाँ पर आप लिखेंगे मीनू और यहाँ ग्रैंड मदर, पूरी स्पेलिंग लिखेंगे। और जैसे यहाँ आपने लिखा राजेश, राजेश कौन है? आपके पापा, तो आपको यहाँ पर लिखना है फादर, FADHER। तो इस तरह से हमें अपने परिवार के सदस्यों के नाम और उनके साथ आपका रिलेशन इसमें लिखना है। राइट द रिलेशन बिटवीन एनी टू मेंबर ऑफ योर फैमिली, कोई भी परिवार के दो सदस्य उनके बीच में क्या संबंध है वो आपको लिखना है। जैसे मीनू आपके मम्मी का नाम है और राजेश आपके पिताजी का नाम है, तो यहाँ मीनू लिख दिया और यहाँ लिख दिया आपने राजेश, ठीक है। और वो आपके कौन है? मम्मी पापा, तो यहाँ लिखेंगे हम मदर और फादर। तो इस तरह से हमें इस चार्ट को कंप्लीट करना है। अब जैसे आपकी दादी का नाम है राधा और दादू का नाम है रमेश, तो यहाँ पर हम रमेश लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर। तो इस तरह से हमें यहाँ पर लिखना है। व्हाट डू योर फैमिली कॉल यू लविंगली, तुम्हारे परिवार के सदस्य तुम्हें प्यार से क्या बुलाते हैं? डू यू हैव अ पेट नेम, क्या तुम्हारा कोई छोटा नाम है? हाउ डू यू कॉल योर फैमिली मेम्बर्स, तुम्हारे फैमिली के मेम्बर्स आपको कैसे बुलाते हैं? लुक एट द पिक्चर केयरफुली, टू पर्सन इन द पिक्चर लुक अ लॉट लाइक ईच अदर, हाउ डू यू लाइक थिंग दे रिलेटेड। तो इस तरह से जैसे आपका नाम है गुड्डू, घर में आपको सब गुड्डू बुलाते हैं और बाहर है आपका नाम रिया, तो बाहर क्या बोलते हैं? रिया, लेकिन घर में सब क्या बुलाते हैं? गुड्डू। दादी क्या बुलाती है? गुड़िया, तो वो हमें इसमें बताना है। इज़ देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन यू एंड एनी अदर मेम्बर ऑफ योर फैमिली इन वे यू टॉक, वॉक, स्माइल, इवन योर लुक्स, हुम, हाउ, क्या बाकी परिवार के सदस्यों के साथ
के जैसे ही तुम चलते हो, बोलते हो, स्माइल करते हो, कैसे और क्यों? लेट अस नाउ रीड अबाउट अरावली फैमिली, अनवरीज फैमिली। द एल्डर मेंबर ऑफ अनवरीज फैमिली वर्क एज धोबीज। ऑल ऑफ दिस मेंबर ऑफ योर फैमिली लीड ए हैंड वॉशिंग, ड्राइंग, आयरनिंग ऑफ क्लॉथ। तो एक फैमिली है अनवरी, जिसमें जो कि क्या करते हैं वो लोग, धोबी का काम करते हैं, कपड़े धोते हैं, सुखाते हैं और उनको आयरन करते हैं। अनवरी एंड हर कज़न तौफिक आर लर्निंग टू वर्क डन विद फैमिली। तो अनवरी अपने परिवार के कज़न का, उनका जो कज़न है, चचेरा है तौफिक, वो उनके साथ काम करता है। इज़ योर फैमिली इन्वॉल्व इन एनी पार्ट पर्टिकुलर वर्क? इफ यस, व्हाट? क्या तुम्हारे परिवार के कार्य में कोई कार्य करता है? क्या तुम्हारा परिवार जो है वो कोई कार्य करता है? यदि हाँ तो क्या, कौन सा काम करता है? जी हाँ, मेरे जो अगर आपके परिवार के सदस्य, जैसे इधर इन्होंने धोबी बताया, अगर प्लम्बर है आपके पापा तो आपको यहाँ लिखना है प्लम्बर, ठीक है। डू यू हेल्प द फैमिली विद द वर्क? उसमें फैमिली भी हेल्प करती है? नो, क्योंकि प्लम्बर तो पापा जाकर करके आएंगे, तो इसमें हम नो लिखेंगे। वी लर्न मैनी थिंग फ्रॉम आवर फैमिली। अनवरीज हर कज़न लर्न साइकिलिंग फ्रॉम हर अंकल। अनवरीज जो है वो अपने अंकल से क्या सीखती है? साइकिल चलाना सीखती है। यू ऑल्सो लर्न मैनी थिंग फ्रॉम योर फैमिली। आप भी बहुत सी चीज़ें अपने फैमिली से सीखते हो। व्हाट, क्या और कैसे, ये हमें बताना है। अब जैसे आपके घर के बड़े आपको क्या सिखाते हैं, कपड़े कैसे तय करना है, बोलना कैसे है, और बोतल पानी में बॉटल कैसे भरते हैं, तो हमें घर के बड़े सिखाते हैं ना। व्हेन आई एम सैड आई गो टू माय कहाँ जाते हैं? जब मैं दुखी होता हूँ तो मैं कहाँ जाता हूँ? आई गो टू माय मदर के पास जाता हूँ, जब मैं सैड होते हूँ। When I want to know about the past, I go to my grandmother. जब मुझे मेरे past के बारे में जानना होता है तो मैं कहाँ जाता हूँ? अपनी grandmother के पास। When I want to share my secret, I go to my father. जब मुझे अपने कोई रहस्य शेयर करने होते हैं तो मैं किसके पास जाता हूँ? अपने पिताजी के पास। When I go to some wrong, I go to my, जब मैं कुछ गलत करता हूँ तो मैं कहाँ जाता हूँ? ग्रैंडफादर के पास, ठीक है। आगे चलेंगे। एवरीवन रिमूव देयर शूज बिफोर एंटरिंग द हाउस। घर में घुसने से पहले हर कोई जूते उतारता है। दिस इज़ प्रैक्टिस ऑफ सुरेखा फैमिली। ये ऐसा सुरेखा की फैमिली की प्रैक्टिस करती है। सम ऑफ सुरेखा फ्रेंड एंटर हर हाउस विदाउट रिमूविंग। सुरेखा के कुछ दोस्त घर आए लेकिन उन्होंने जूते बाहर नहीं उतारे। सुरेखा ग्रैंडफादर गेट एंग्री। सुरेखा के जो दादाजी थे वो नाराज़ हो गए। आर देयर एनी पर्टिकुलर प्रैक्टिस फॉलोड बाय योर फैमिली? क्या तुम्हारी फैमिली के द्वारा भी कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं? कौन से और क्या, वो हमें बताने हैं। विच प्रैक्टिस यू एंड योर फैमिली डू टू कीप योर हाउस एंड सराउंडिंग क्लीन? कौन सी ऐसी आदत है जो आप और आपके परिवार करते हैं जिससे कि आपका आसपास सब साफ सुरक्षित रहे? डज एनी मेम्बर ऑफ योर फैमिली हैव एनी पर्टिकुलर हैबिट लाइक लाफिंग लाउडली एंड सिंगिंग व्हेन दे आर हैप्पी इमिटेड? क्या आपके परिवार के सदस्य कोई ऐसी पर्टिकुलर हैबिट है जिससे कि सब हंसते हैं या गाते हैं और जब खुश होते हैं तो सब हंसते हैं या गाते हैं? क्या तुम्हारे परिवार की कोई ऐसी आदत है? डू यू शो रेस्पेक्ट टू एल्डर इन योर फैमिली लाइक अराउंड टू सी हाउ टू शो रेस्पेक्ट? आप अपने परिवार के सदस्यों का किस तरह से रेस्पेक्ट करते हैं, ये हमें बताना है। आस्क ऑन एनी ओल्डर मेंबर ऑफ योर फैमिली टेल द फनी इंसिडेंट ऑफ योर चाइल्डहुड when the old were young। तो ये था एक चैप्टर जिसमें हमने क्या सीखा, फैमिली के बारे में,
कि किस तरह से हम अपने बड़ों से चीज़ें सीखते हैं, किस तरह से हमारे परिवार के लोग हमसे कोऑपरेट करते हैं और परिवार में किस तरह के रिलेशन होते हैं, मदर फादर ब्रदर सिस्टर ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर ग्रैंड पेरेंट्स, तो और बड़ों से दादाजी से हम क्या सीखते हैं, दादी जी से क्या सीखते हैं, मम्मा पापा से क्या सीखते हैं। तो और हमें सबसे पहला हमारा फर्स्ट स्कूल क्या होता है, घर। सबसे पहले हम घर में सीखते हैं कि किस तरह से हमें बोलना है, कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे हंसना है। फिर उसके बाद हमारा स्कूल शुरू होता है जहाँ पर हम किताबी ज्ञान यानी बुक्स से सीखते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4 EVS क्लास 3rd आर फर्स्ट स्कूल। कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।